देखिए विद्यार्थियों, आज आपको हम बताने वाले हैं जो बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर होता है, ठीक, उसका एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपने जरूर लिखा हुआ है, अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर होता है, ठीक। तो अवशोषण और स्वांगीकरण, यदि आपको अवशोषण का अर्थ पता होना चाहिए और स्वांगीकरण का अर्थ आपको पता होता है, ठीक, तो आपको जो उत्तर होता है उसको लिखने में कोई कठिनाई नहीं आती। देखिए, हमने आपको बताया हुआ था कि अवशोषण का अर्थ क्या होता है, किसी में किसी के द्वारा किसी भी चीज से किसी के भाग को अवशोषित करना, उसको सोखना होता है, ठीक। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि जब भोजन का पाचन होता है आहार नाल में, तो लिखेंगे आहार नाल, ठीक, और इसमें आपका क्या पाचन, ठीक। आप जरा ध्यान दीजिएगा, आहार नाल में जो भोजन पचता है, आहार नाल में जो भोजन पचता है, अगर वो विसरित होकर के, आहार नाल में जो भोजन पचा, अगर वह विसरित होकर के रुधिर में विलीन हो जाए, आहार नाल में पचा हुआ भोजन जब रुधिर में विलीन हो जाता है, ठीक, तो यहां ले सकते हैं इसमें कि रुधिर में विसरित होना, ठीक। आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको समझना क्या है, आहार नाल में जो आपका भोजन पचा था उसका अगर जो भाग होता है वह रुधिर में, उसके जो भोजन के अणु रहेंगे रुधिर में विसरित हो जाए या उसमें मिल जाए, तो जो यह क्रिया होगी आपकी उसे हम कहते हैं अवशोषण। उसे क्या नाम देंगे? अवशोषण। उसका नाम क्या होगा? अवशोषण। द्वारा सुन लो, आहार नाल जो होता है, ठीक, आहार नाल में जो भोजन पचता है, पचे हुए भोजन के जो अणु होते हैं, पचे भोजन के जो अणु होते हैं वो अगर रुधिर में विसरित हो जाए, यानी उसमें विलीन हो जाए या फिर उसमें मिल जाए, ठीक, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उस क्रिया को हम अवशोषण का नाम देते हैं, ठीक। अगला पॉइंट कहता है कि ये बताइए कि स्वांगीकरण क्या है। स्वांगीकरण क्या है, ठीक। अब जरा स्वांगीकरण को समझ लीजिए, ठीक, स्वांगीकरण में क्या होता है, जो आहार नाल में पचा हुआ भोजन होता है, ध्यान दीजिएगा, आहार नाल में पचा हुआ भोजन यदि कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचने के बाद, आहार नाल में पचा हुआ भोजन यदि कोशिका द्रव्य में जीव द्रव्य, यानी कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य तक पहुंचता है और उसके बाद, भैया आपका जो भोजन है वो पचा हुआ होता है, ठीक, अगर वही भोजन जो कोशिका होती है उसमें आपका जीव द्रव्य होता है वहां तक वो पहुंच गया, जब जीव द्रव्य में आपका भोजन पहुंच गया, उसके जो अणु थे वो, अगर वही अणु जीव द्रव्य में पहुंचने के बाद उसी जीव द्रव्य के रूप में ही विलीन हो जाए, यानी उसी में मिल जाए या घुल जाए, तो इस क्रिया को हम क्या कह सकते हैं? स्वांगीकरण, यानी पचा हुआ भोजन, इसको लिखा शॉर्ट में पचा हुआ भोजन, सुन करो, पचा हुआ भोजन अगर कोशिका के कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचने के बाद, यानी कि जिधर पहुंचता है, ठीक, और आगे क्या होता है, जीव द्रव्य, ध्यान दीजिए, जीव द्रव्य के रूप में विलीन होता है, ठीक। आप जरा फिर देखिए, शुरू से सुनाएंगे आपको, अवशोषण का मतलब क्या होता है, अगर
अवशोषण नाम देते हैं, और अग्नि जो क्रिया आपकी है स्वांगीकरण, तो वही पचा हुआ भोजन, अगर पचा हुआ भोजन ही काम होता है आपका पहुंच जाए कोशिका के कोश जीव द्रव्य तक, और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद जीव द्रव्य में ही क्या हो जाए विलीन हो जाता है, यानी जीव द्रव्य के स्वरूप में ही विलीन हो जाता है। फिर यानी जिस प्रकार आपका जीव द्रव्य होता है उसी प्रकार आपके जो भोजन के अणु थे वो भी उसी प्रकार बन जाए, तो इस क्रिया को हम स्वांगीकरण का नाम देते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो अवशोषण तथा स्वांगीकरण है इसमें यही अंतर होता है कि आपका जो अवशोषण होता है उसमें कौन सी क्रिया होती है, वह रुधिर में आपका जो भोजन होता है अवशोषण में जो भोजन कण रहेंगे वो ब्लड में मिल जाते हैं, और स्वांगीकरण में जो भोजन के अणु होते हैं वह आपको जीव द्रव्य में मिल जाते हैं। तो आपको जानना अवशोषण में रुधिर में आपके जो अणु होते हैं वो मिल जाते हैं, और स्वांगीकरण में जीव द्रव्य में आपके अणु होते हैं मिल जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जो भी आपकी समस्या हो उसको कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।